अंतर्गत एसबी रिजोर्ट में देर शाम को दो पक्षों में हुई फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई। घटना में युवती सहित एक लोगों के जख्मी होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि रिजोर्ट में दोनों पक्षों से पहुंचे हथियारबंद लोगों ने 40 से 45 राउंड फायर किए हैं। घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घनिंदा थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों के दर्जन भर लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने बताया कि गोलियां लगने से एक पक्ष के हरविंदर सिंह निवासी छेहरटा और दूसरे पक्ष के मनप्रीत सिंह उर्फ मंगा 45 की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शादी में शिरकत करने पहुंचे लड़की के भाई को गोलियों के छर्रे लगे हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस को घटनास्थल से कुछ राइफलें भी मिली हैं। पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्य ने बताया कि हमारे बेटा का नाम गैंगस्टर के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन जब यह घटना हुई तब उसका बच्चा अकेला था। वहीं दूसरी तरफ शादी पर पहुंचा वकील जो था वह गैंगस्टर था और उसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले भी दर्ज थे। अमृतसर से धर्मवीर गिलाली, आजाद टीवी। छोटे ब्रदर का साला ये मेरे को उतों मेरे पिंडों बरा इतने विह आया कला ये गया विह आया है तो इनू बहरों बंदे पै गए मुंडे इन्हें मगरों जिन्हें पै गए इनू गोली मारी आ होर बंदा मंगे दे नाल कोई नहीं हैगा कला ही मंगा हैगा दूजे बंदे ज्यादा ही उन्हें इनू मार मकाया उन्हों की गोली दे नाल ही मंगे की मौत हुई है तो जोड़ा उन्होंने बंदा मरिया ने वह भी उन्हों की गोली ना ही मरिया इन्हें दोनों धर्म की कोई आपसी रंजिश बारी ही जिस करके वो ये गोली चली उ दो अगस्त दो डैथ हो एक इंजर इन्हों की आपसी कोई पुरानी रंजिश थी जिस करके उसे झड़ा जाना आपसी मरण वाले का एक नाम हरविंदर सिंह है तो दूजा है वा मनप्रीत।